नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। न्यूज इंडिया फर्स्ट डीपीबीएस डिग्री कॉलेज अनूपशहर के प्रांगण में पधार चुकी है, जो कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, जिसको कहते हैं आरएसएस, वह संस्था हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में पथ संचलन निकाल रही है। और पथ संचलन किस निकाल रही है और समाज को क्या निर्देश देना चाहती है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखते रहिए अनूपशहर क्षेत्र की पल पल खबर। हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल अनूप शहर। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर संघ के स्वयं सेविकों के द्वारा नगर के मुख्य बाजार में पथ संचलन कार्यक्रम में अनूप शहर नगर के मुस्लिमों द्वारा फूलों की अपार वर्षा संघ कार्यकर्ताओं पर की गई। कार्यक्रम में बुंदू खान सैफी अफजल गाजी चौधरी, नदीम हाजी, जाहिद गाजी, अयूब खान, इसहाक खान आदि लोग उपस्थित रहे। अनूप शहर से रविन्द्र कुमार की रिपोर्ट। संघ में मैं प्रचारक हूँ। उस संघ के 6 उत्सवों में से एक आज ये उत्सव है जी, वर्ष प्रतिपदा, जिसको संघ के सभी स्वयंसेवक मिलकर आज मनाने के लिए यहाँ अनूपशहर में उपस्थित हुए हैं। अभी अपने वरिष्ठ अधिकारी का, एक श्रीमान विभाग प्रचार राजेश जी का उद्बोधन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। संघ के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, वर्ष प्रतिपदा किस प्रकार से मनाना चाहिए, हिंदू नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है, भारतीय नववर्ष की क्या पहचान है, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर अपने लोग भारतीय लोग किस प्रकार से विमुख हो रहे हैं, तो भारतीय नववर्ष के आधार पर हम सब कार्यकर्ता मिलकर उस नववर्ष को किस प्रकार से मनाएं, ऐसी कल्पना, ऐसा विचार आज इस वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में मुख्य वक्ता जी के द्वारा सुनने को मिला है। यही संघ का भी विचार है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो संघ के बारे में सोचा था, समाज के बारे में सोचा था कि समाज और संघ दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और जो हिंदू समाज है वो किस प्रकार से बटा हुआ है, उस बटे हुए समाज को एक मंच पर लाकर खड़ा करना, ऐसा उनका विचार था। उसी के माध्यम से जो ये उत्सवों का एक पर्व है, ये उन्होंने अलग से रखे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज की परंपरा उत्सवों के लिए पहले से ही रही थी। हर दिन, हर बार कोई ना कोई ऐसा है, उसमें कोई ना कोई व्रत होता है, कोई ना कोई त्यौहार होता है। ऐसे मिलाकर 2000 से भी ज़्यादा ऐसे पर्व होते हैं जिनको हिंदू समाज प्रतिवर्ष मनाता ही है। तो आप सर ये बताइए, जैसे आप ये मुख्य मार्केट में अनूपशहर के अंदर आरएसएस के द्वारा पंथ संचलन होने जा रहा है, तो समाज के लिए क्या बल मिलेगा और क्या एकता की मिसाल पैदा होगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चलता है। इससे समाज का भी उत्साह बढ़ता है और संघ के कार्यकर्ता होने के नाते जो गणवेश उनको देखने के लिए मिलता है, और उसमें उनका जो पथ संचलन के आधार पर कदम से कदम, ताल से ताल मिलकर जो एक उत्साहवर्धन देखने को मिलता है, उससे हिंदू समाज का मनोबल बढ़ता है। और उस बढ़े हुए मनोबल के आधार पर आसपास का जो समाज है उसको भी गति देने का एक तात्पर्य हिंदू समाज के बीच में उजागर होता है, ऐसा ही एक विचार है। अनूपशहर नगर इकाई की का जो परिवार है, पत्रकार परिवार की तरफ से आप आरएसएस संघ के परिवार के लिए, सभी के लिए नववर्ष की, हिंदू समाज के जो नववर्ष है, बार बार बधाई और शुभकामनाएं।